जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलभरत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक जंबकदाम्बूषाम कुतुंग बिन कुजुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मंचावस्था विभूते। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। माँ भगवती जगत जननी आप सबके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको रहस्यमय ज्ञान दिया जा रहा है। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि जिनके भाग्य में यदि भाग्य खुलना होगा या जिनका भाग्य बंधन में था यदि अब उनके खुलने का समय आ गया है तो वो ही हमारी इस आवाज को सुन करके अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और सफल हो जाएंगे। और जिनका भाग्य अभी नहीं खुलना है वह हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे और नहीं हम उन तक नहीं पहुंच सकते। अभी उनको और भटकना है क्योंकि अभी उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हुए हैं। तो जो सुन रहे हैं उनके लिए आज हम रहस्यमय ज्ञान की एक और कड़ी लेकर के आए हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलोगे। बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत सी महता बहनें भी कहती कि साहब हम पूरी जी जान लगा करके इस घर परिवार के लिए कर रहे हैं परंतु घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है। घर में पैसा आता थोड़ा बहुत और उससे ज्यादा पैसे की अचानक बीमारी आ जाती है और वो पैसा सब चला जाता है और कई बार तो हमें उधार भी लेना पड़ जाता है। इसे ही हम दुर्भाग्य कहते हैं। यानी भाग्य के आगे जो चलता है उसे दुर्भाग्य कहते हैं। यानी पैसा आने वाला है, मालूम चल गया कि पैसा आने वाला है तो उसके पहले ही चार रास्ते खड़े रहेंगे उस पैसे को जाने के लिए, उसे दुर्भाग्य कहते हैं। अब इस भाग्य इसको दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें? ऐसे बहुत से मनुष्य मिल जाएंगे आपको जो तरह तरह के कि आपको सलाह देंगे कि ये कर ले ये कर ले। ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो अलग सलाह दे देगा, दूसरे ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो अलग सलाह देता। अगर आप 10 ज्योतिषी के पास गए तो 10 अलग अलग सलाह देंगे तो ऐसा क्यों? सलाह एक जैसी होना चाहिए ना। इसका मतलब यह हुआ है कि या तो 10 को ज्ञान नहीं है और यदि ज्ञान है तो उन्हें सच्चाई से आपको रूबरू नहीं कराया है। क्योंकि यदि आपके भाग्य में दोष है तो वो दोष उन्हें पता नहीं है और उस दोष का उन्हें उपाय भी नहीं मालूम है। तो आप हमेशा किसी को भी जन्म पत्रिका दिखाएं दुर्भाग्य के लिए विशेष तौर से
तो किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति को दिखाएं। हम भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो नए नए डॉक्टर के पास बहुत कम व्यक्ति जाते हैं, वो सब एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं उसे बहुत अनुभव है अपनी जिंदगी का, वो बीमारी को देख करके पहचान लेता कि क्या बीमारी हो गई है, क्या इलाज लिखना है, क्योंकि उसको अनुभव है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र भी एक अनुभव वाला क्षेत्र है, इसमें व्यक्ति जितनी ज्यादा पत्रिका देखता है अपने जीवन में उतना उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और कुछ चीजें वो ऐसी भी बता देता है जो किताबों में लिखी हुई नहीं है, उसे ही अनुभव बोलते हैं। तो आपको दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलने के लिए कुछ बहुत से टोटके हैं, हमें उनको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि साहब हमारा दुर्भाग्य है, 8 साल से खत्म हो गया, 10 साल हो गए, पहले फैक्ट्री चलती थी, 2 साल हो गया, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई बोलता 10 लाख का हो गया, कोई बोलता 5 लाख का हो गया, कोई बोलता हम पूरे बर्बादी हो गए, पैसे ही नहीं बचे हमारे पास में, इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं। तो ये तंत्र मंत्र जादू टोने की वजह से भी हो जाता है, और कई बार उसके भाग्य का खेल भी होता है। अब हम दुर्भाग्य का मतलब भाग्य के खेल से लेकर के चल रहे हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता का पता करो। सबसे पहले इष्ट का ज्ञान आपको होना चाहिए कि आपका इष्ट कौन है, आपको हर समय उन्हीं इष्ट से ही मदद मांगना है। अब आप कहेंगे सब हम कैसे पता करें कि हमारा इष्ट कौन है, तो इष्ट पता करने के लिए अपनी जन्म कुंडली में जो लग्न चार्ट होता है उस लग्न चार्ट से पता लगाया जाता है कि आपके इष्ट देवता कौन है। लग्न में जो राशि बैठी होती है उस राशि के जो इष्ट देवता होते हैं वही आपके इष्ट देवता माने जाते हैं। और यदि ये पता करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा यदि आप अपने इष्ट के मंत्र की 11 माला रोजाना सूर्य उदय से पहले जप करने लगे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि आपको सूर्य उदय के पहले उठना है, पहली शर्त तो यह हो गई। यदि कोई मनुष्य सूर्य उदय के बाद तक पड़ा रहता है अपने बिस्तर पे तो उसका कभी भी सौभाग्य नहीं होगा, वो हमेशा दुर्भाग्य में ही पड़ा रहता है। तो भाग्य को खोलने के लिए सूर्य उदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, और यहां तक कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने इष्ट की 11 माला आपको जप करना है सूर्य उदय हो उसके पहले पहले। और ये माला जो है रुद्राक्ष की माला से आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आप पूर्णतः शुद्ध स्वच्छ और पवित्र होकर के करें, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों अवस्थाओं में। अब मंत्र किसका करना है, जो मैंने आपको बताया है कि आपको दुर्गा जी का मंत्र करना है, नवान मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला कर सकते हो, या फिर अपने इष्ट के मंत्र की 11 माला आपको करना है। और ऐसा करने से निश्चित तौर से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में अवश्य बदलेगा, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने खुद ने भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो या फिर आप मंत्र भी बोल सकते हो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, बुद्धि का मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यदि आपको शक्ति चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या फिर जो मैंने कहा आपको अपने इष्ट का मंत्र सबसे पहले, तो यदि आपको इष्ट ज्ञान नहीं हो तो गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र भी याद नहीं हो तो फिर आप दुर्गा जी का नवान मंत्र का जप करें, और वो भी याद नहीं हो तो महामृत्युंजय मंत्र आप कर सकते हो, परंतु 11 माला सूर्य उदय हो उसके पहले पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है, और लगातार यह काम करते रहें। और जब ये करते हैं तो एक निश्चित समय का अवश्य ध्यान रखें, उसी समय पे आपको दीप प्रज्वलित करके ये मंत्र को जप करना है तो ज्यादा अच्छा होगा। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें, बहुत सी सारी शर्तें हैं हम छोटे रूप में ले लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है,
अब ये करना ही करना है तो ही आपको इस मंत्र जप का फल मिलेगा, यानी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप तभी बदल पाओगे। और यदि आप कहोगे कि नहीं साहब हम तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं कर सकते हैं, तो जो मंत्र जप करे उसका फल तो मिलेगा परंतु फल देरी से प्राप्त होगा। और भी नियम मैं बताने जा रहा हूं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए मंदिर में पीपल का पौधा लगाना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए, उसकी देखरेख करें और उसको रोजाना जल चढ़ाएं और वहां पर एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। रोजाना एक रोटी अपने ऊपर से 21 बार उतार कर पानी में तालाब में डाल दें जहां पर की मछलियां रहती हो, तो भी आपका दुर्भाग्य धीरे धीरे सौभाग्य में बदलने लगेगा। एक दिन में तो काम नहीं होगा परंतु धीरे धीरे होगा, रोजाना आपको ये काम करना है। यदि हो सके तो पक्षियों को पिंजरों से आजादी दिलाना है। जो पक्षी पिंजरे में बंद होते हैं उन्हें पिंजरे से आजादी दिलाने से भी दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन होता है। सूर्यास्त के समय पर 11 दीपक आटे के बनाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आधे घंटे तक जप करना है, यानी जिस समय पे सूर्यास्त का समय आप अपने नेट से देख सकते हो और जब भी सूर्यास्त का समय जो लिखा रहता है उसके जस्ट एक मिनट बाद आप 11 दीपक आटे के बनाए या बना के पहले से तैयार करके रख लें और प्रज्वलित उनको सूर्यास्त के बाद करना है। और जब तक वो दीपक जलते रहते हैं या फिर उस समय से लेकर अगले आधे घंटे तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करते ही रहना है। उस दौरान न तो खाना है न पीना है आपको और न किसी से बातचीत करना है न मोबाइल चलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 घी के दीपक प्रज्वलित करें आटे के बना के और जप करते जाएं, धीरे धीरे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन होने लगेगा। प्रत्येक मंगलवार को किसी देवी जी मंदिर में जाएं और वहां पर मिठाई अवश्य चढ़ाएं, नारियल अवश्य चढ़ाएं और पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। कोई भी एक देवी जी मंदिर, चाहे काली जी का हो, दुर्गा जी का हो, किसी भी देवी जी का हो, उस मंदिर में जाएं और वहां जाकर के आपको एक नारियल हर मंगलवार को चढ़ाना है, मिठाई अवश्य वहां पे चढ़ाना है और पान का पान भी बना हुआ पान अवश्य चढ़ाना है। इससे भी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा। प्रत्येक मंगलवार यदि हो सके तो श्री काली माँ को नींबू की माला अवश्य चढ़ाएं, इससे भी आपका दुर्भाग्य छटने लगेगा। अब नींबू की माला 27 नींबू की हो सकती है, 54 नींबू की हो सकती है, 108 नींबू की भी हो सकती है, ये आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर निर्भर करता है। और यदि आपका दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा हो तो आपको रोजाना अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र का मतलब होता है गाय के सूखे गोबर के ऊपर आपको घी से हवन करना है, चाहे जो मंत्र याद हो। ऐसे तो जो मैंने बताया कि आपको इष्ट का मंत्र का ही प्रयोग करना है, परंतु यदि आपको अपना इष्ट नहीं मालूम है तो आप अपने कुल देवी देवता के नाम से कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से आप कर सकते हैं या फिर नवान मंत्र से कर सकते हैं या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से भी किया जा सकता है, पर अग्निहोत्र रोजाना करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन होगा। एक तो आप गलत आदत बदल दो, यदि आपकी कुछ आदतें गलत हो तो उन्हें बदल देना चाहिए, जिसे समाज गलत समझता हो या फिर धर्म गलत समझता हो उन आदत को आप बदल दें। और कुल देवी देवता की शरण में रहना है। यदि आपको कुल देवी देवता नहीं मालूम है तो दुर्भाग्य है ये आपका। आपको कुल देवी देवता का ज्ञान करना ही करना है और उनकी शरण में आपको जाना है, उनकी पूजन अर्चन करना है, वही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और गलत खाना पीना आप छोड़ दो। गलत खाना पीने का मतलब हो गया मांस का सेवन, मदिरे का सेवन, अंडे का सेवन, शराब का सेवन, ये सब आपको छोड़ देना है। सूतक के समय पे सूतक वाले के घर का खाना पीना नहीं खाना है, पातक की अवस्था में भी नहीं खाना है। महावारी के समय जो सूतक अवस्था होती है 4 दिन की, उस दौरान भी महावारी की जो स्त्री को आती है उस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना है आपको। और फ्री की वस्तु बिल्कुल भी ना खाएं, ये भी दुर्भाग्य को बढ़ावा देती है। तो यदि फ्री की वस्तु आपके पास आती हो तो फ्री की वस्तु आपको नहीं खाना है, भंडारे का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, और यदि मजबूरी में करना पड़ रहा हो तो वहां पर पहले रसीद कटवा दे भोजन की, उसके बाद में आपको भोजन करना है। गलत व्यक्ति के घर का खाना पीना छोड़ दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शराब पीता हो,
मांस मदिरा खाता पीता हो, जिसके घर में क्लेश होता हो, या फिर जिसके घर में पाप की कमाई आती हो, किसी की हाय बद्दुआ लेकर के जो पैसा कमाया जाता है वो उससे, उस कमाई से जो अन्न आता है और उससे यदि आप खाना खाते हो तो वो भी आपको दुर्भाग्य में परिवर्तन करता है। इसलिए गलत व्यक्ति के घर का खाना पीना आपको छोड़ देना है, झूठा खाना भी नहीं खाना है, चाहे वो पत्नी के हाथ, पत्नी की थाली का हो, बेटे की थाली का हो, बेटी की थाली का हो, या किस भी हो, झूठा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। और फ्री में खाना पीना बंद कर दो, कहीं का भी हो फ्री का खाना पीना नहीं खाना है। गंदे कपड़े नहीं पहनना है आपको, काले कपड़े भी पहनना बंद कर दे यदि आपका दुर्भाग्य चल रहा हो। और अपने हिस्से के खाने में से दान करना है, अपने हिस्से के खाने में से दान करने का मतलब हो गया, जो आपके पास जो थाली आती बनी हुई, उस थाली में से कुछ हिस्सा चिड़ियों के लिए निकाल के रख दें, मछलियों के लिए निकाल के रख दें, या फिर पितरों के नाम से अलग निकाल के रख दें, उसके बाद उस थाली को ग्रहण करना है आपको। महिला, स्त्री, बुजुर्ग, इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना है आपको, किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है और महिला का भी अपमान नहीं करना है। जहां पे गणा धन यदि आपको मिला हो, किसी को मिला हुआ हो, हड़पा हुआ धन हो, तो उसका प्रयोग नहीं करें। हो सकता है आपके परिवार में आपके पिताजी ने या दादाजी ने गड़ा हुआ धन निकाला हो, उस धन से जो संपत्ति, जमीन जायदाद बनाई हो, वो यदि आपको प्राप्त हुई हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी न करें, अन्यथा दुर्भाग्य बना ही रहेगा, सौभाग्य में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए किसी का धन मत हड़पो, यदि किसी का धन हड़पोगे तो आपको दुर्भाग्य साथ नहीं, मतलब सौभाग्य साथ नहीं देगा, दुर्भाग्य में ही आप पड़े रहोगे। पीपल को कभी भी नहीं काटना है, बरगद के वृक्ष को कभी भी नहीं काटना है, और बेल पत्ती के वृक्ष को भी नहीं काटना है। केले के पेड़ की आपको पूजा करना है, केले के पेड़ के नीचे आप दीपक लगाएं, केले के पेड़ के नीचे आप जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, इससे आपका भाग्य खुलतेगा। और मछलियों को आटे की गोली खिलाना है, यानी कि किसी तालाब के किनारे एक निश्चित समय पे जाकर के बैठ जाएं, और रोजाना उसी समय पे जाकर के बैठना है और आटे की छोटी छोटी गोली बना करके मछलियों को खिलाना है। और यदि खिलाते समय आप यदि कोई मंत्र बोल सके तो मंत्र बोलें, इष्ट का मंत्र बोल दें, गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया गुरु मंत्र वो बोल लें। अगर वो भी नहीं मालूम हो आपको, नहीं गुरु नहीं किया गया हो, तो एक मंत्र है जो इसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। वह मंत्र है ओम भ्रीम आपताम फर्तारम दातारम जरसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यम। यह मंत्र आपको श्री राम रक्षा स्त्रोत में मिल जाएगा, ये उसका एक पार्ट है, एक मंत्र है। इस मंत्र को आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना है तो भी आपकी आपदा दूर हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। मैं पुनः बोल देता हूँ, ओम ह्रीम आपदाम अपहर्तारम दातारम धर्तम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ओम ह्रीम आपदाम अपहर्तारम दातारम धर्तम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए एक एक गोली तालाब में डालते जाएं। तालाब जब भी जाएं तो समय फिक्स कर लें और स्थान भी फिक्स कर लें। स्थान आपको परिवर्तन नहीं करना है और समय भी परिवर्तन नहीं करना है। एक ही स्थान पर एक ही समय में जाकर के बैठने से वो मछलियां आपका अवश्य रोजाना इंतजार करेगी और आपको दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में परिवर्तन अवश्य होगा। सुबह उठते से ही अपनी हथेलियों के दर्शन करना है। आपको चाय पानी कुछ भी नहीं पीना, जैसे ही आप उठो वैसे ही अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ो और उनको दर्शन करना है। और इसका भी एक मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये वाला मंत्र है। इस मंत्र को यदि बोल सकते हो तो बोलिएगा। और हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका पालन अवश्य करें। आपका दुर्भाग्य है क्योंकि आपने हमारी परंपराओं को तोड़ दिया है।
आपने हमारे रीति रिवाज का पालन करना बंद कर दिया है। हमारी जो मान्यता थी उनको आपने पुरानी मान्यता मान करके आपने तोड़ दी है। इस वजह से भी आपका दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है, भाग्य साथ देना बंद कर देता है। क्योंकि यदि आप संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा और मान्यता इनका पालन करोगे तो आपके कुल देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, आपके इष्ट देवता प्रसन्न रहते हैं और आपके पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं। और यदि चारों प्रसन्न हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, आपके यहाँ बीमारी दुखी नहीं आ सकती और आप कभी भी कंगाली में कभी नहीं जाओगे। परंतु यदि आपने इन संस्कार संस्कृतियों को छोड़ दिया तो निश्चित तौर से कष्ट तो होगा ही होगा। अब संस्कार संस्कृति कैसी है वो मैं आगे बताने वाला हूं कि आपने किन किन चीजों को करना छोड़ दिया, उनको करना प्रारंभ कर दें। कि अमावस्या के दिन एक तो सीधा देना प्रारंभ कर दें, जो आजकल लोग बाव ने छोड़ दिया है। हर अमावस्या को पितरों के नाम से कच्चा भोजन, यानी जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, तेल, घी, शक्कर, ये सब चीज होती थी, वो सब चीज जो है आपको किसी मंदिर में दान देने जाना है, उसके बाद ही भोजन करना है। मंगलवार को मिठाई अवश्य किसी मंदिर में जाके अवश्य चढ़ाना है और एकादशी का व्रत उपवास भी आप रखें। इससे क्या है कि लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है और साथ ही साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा, दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। और विशेष बात जो आज के जमाने में आपने एक प्रथा थी हमारे यहाँ पे, वो बहुत से घरों में टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी है। और वह प्रथा यदि नहीं मानोगे तो आप जिंदगी भर कितना ही पूजा पाठ कर लो कुछ भी काम नहीं आएगी, आप हमेशा दुर्भाग्य में ही बैठे रहोगे। और वह चीज है मासिक धर्म, यानी कि रजस्वला अवस्था, यानी कि महावारी की अवस्था में जब स्त्री रसोई घर में जाकर के खाना बनाती है तो मान करके चलो आपके यहाँ पे कभी बरकत नहीं रहेगी, आपके यहाँ पे कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी और आपका दुर्भाग्य ही हमेशा साथ में रहेगा। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है, नहीं मानोगे तो आप दुर्भाग्य में जीते रहिए और लोग भी जी रहे हैं, आप भी जीते रहोगे। परंतु जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि आप कष्ट में जियो, जीवन का मतलब है आनंदमय जीना। इस आत्मा को कष्ट मत दो, ये परमात्मा का अंश आपके पास में है। यदि ये रोती है इसका मतलब ये है कि ईश्वर तक आपकी आवाज जाती है और वह अपने कर्मों का फल आपको देता ही देता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं बनवाएं, अन्यथा घर के अंदर क्लेश अवश्य आएगा, दरिद्रता आ जाएगी, बीमारी अवश्य आ जाएगी। प्रत्येक माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर मंदिर अवश्य जाना है और वहां पर जो पंडित पुजारी जी रहते हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। अमावस्या पूर्णिमा पर घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए। पुराने जमाने में हर घर में पहले पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ये दोनों में से किसी एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, उसके बाद संक्षिप्त हवन होता था, फिर उस ब्राह्मण देवता को भोजन कराया जाता था। परंतु आजकल ये प्रथा पूरी तरीके से चरमरा गई है और करीब करीब समाप्त हो गई है। आजकल घरों में सत्यनारायण भगवान को कोई जानता ही नहीं है, उनकी कथा को भी कोई नहीं जानता है और न उनके नाम से कोई हवन हो रहा है, तो कहां से आप सुखी रहोगे? आप सुखी नहीं रह सकते, और जब सुखी नहीं रहोगे तो दुर्भाग्य ही साथ देगा। आप लगाते जाओ, पैसे के पीछे भागते जाओ, परंतु धर्म कर्म नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। पुराने जमाने में संध्या बेला के समय पे बच्चे और वृद्ध मिलकर के कीर्तन करते थे, भजन करते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में संध्या बेला के समय पे तो बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ट्यूशन करने जाते हैं उस समय पे। तो संध्या बेला के समय पे भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो सकता है। ब्रह्म उठ मुहूर्त में आपने उठना बंद कर दिया, इसलिए भी दुर्भाग्य आपका हमेशा साथ रहने लगा है। तो आपको यदि दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा।
त्योहारों पर स्त्री संग सहवास करने लगे हैं तो कहां से आपका सौभाग्य खुलेगा। कोई नव दुर्गा के अंदर कर सहवास कर रहा है, रमण कर रहा है, तो कोई तीज त्योहार के दिन भी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस का भोजन कर रहे हैं, तो ये कहां से सुखी रहोगे। सुखी नहीं रह सकते, आपके जीवन में हमेशा अंधेरा ही रहेगा, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य रहेगा। और कई दिनों तक जब आप कर लोगे तो उसका पाप का प्रायश्चित एक दिन में थोड़ी होगा, आपको पापों का प्रायश्चित कई दिनों तक करना पड़ेगा। इसलिए तीज त्योहारों पर स्त्री संग रमण भी नहीं करना है आपको, और यदि कर लिया है तो उसके पापों का प्रायश्चित करो। अमावस्या के दिन रमण नहीं करना है आपको, नवरात्रि के समय पर रमण नहीं करना है, 16 श्राद्ध के समय पर स्त्री के साथ नहीं सोना है, हर सोमवार को भी स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति तो अवश्य होगी ही होगी। पत्नी के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा आपको दुर्भाग्य हमेशा साथ रहेगा ही रहेगा। शराब पीकर के बहुत से मनुष्य स्त्री को गाली देते हैं, हाथ उठाते हैं, मारते पीटते हैं, और कई बार अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठा लेते हैं। ऐसे मनुष्य का तो कभी भी दुर्भाग्य मतलब सौभाग्य में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वो चाहे कुछ भी कर ले। 16 श्राद्ध जब आते हैं उस समय पे आपको पिंडदान करना है, तर्पण करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, यथाशक्ति यथा योग्य आपको मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को ही भोजन कराना है और उसी को ही दान धर्म करना है, तो ही आपको श्राद्ध का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, ये हमारे यहाँ प्रथा थी, परंपरा भी है कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनते हैं, परंतु आजकल तो बिना चावल के भोजन नहीं उतरता है, ये भी एक कष्टों का कारण है। और एकादशी के दिन वास्तव में चावल नहीं खाना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई ऐसी माँ हो, बहन हो, कोई भुआ हो, तो उसे जो विधवा हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को हमेशा एकादशी का व्रत रखना ही रखना है, अन्यथा उसके जीवन में भी कष्ट की प्राप्ति होगी, दुर्भाग्य उत्पन्न होगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। तो आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है, एकादशी का व्रत रखना है, अन्न का ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत से ऐसे समय हमारे यहां दिए गए हैं कि गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं कटाते हैं, गुरुवार के दिन नाखून नहीं कटाते हैं, गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोते हैं, तो इनका भी आपको पालन करना है। यदि नहीं करोगे तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी नियम बनाए गए हैं, परंपरा बनाई गई है, परिपाटी बनाई गई है, प्रथा बनाई गई है, उन सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, परंतु उनमें बंधन जरूर अवश्य महसूस होता है, प्रतिबंध महसूस होता है, परंतु फिर भी जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए, और जितना बताया है ये तो अवश्य करना ही करना है, तो ही आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन कर सकते हो। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी अलहदिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमंडनाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दनी मधुकेट हंदी रक्त बिज विनाशिनी धूम्रलोचन सनंत्री क्लेश नाशिनी सर्व सदुष्ट नाशिनी सर्व सत्तु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे, ऐसी कामना हम जगत जननी से सभी के लिए करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन् मां कश्चित् दुःखभाग् भावे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शांति 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 ही।